नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां पर दिन दहाड़े डकैती की योजना बनाकर पहुंचे डकैतों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जी हां, मंसूबे इनके कामयाब नहीं हो पाए। फाइनेंस बैंक में लूटपाट की नीयत से ये पांचों यहां पर घुसे हुए थे। बैंक में हथियार लेकर ये पांचों डकैत घुसे। हालांकि पुलिस ने इन डकैतों को चारों तरफ से घेर लिया, जिनमें एक डकैत को पुलिस ने गोली मारी है। पुलिस ने इन डकैतों को इस वक्त भी घेरा हुआ है। दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी दो लुटेरे जो हैं वो बैंक के अंदर मौजूद हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, जहां पर पांच की संख्या में लुटेरे बैंक में लूट करने की नीयत से घुसे थे। हथियारों से ये लैस थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, चारों तरफ से इन्हें घेर लिया गया। जिसमें इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक लुटेरे को गोली मारी गई है, जबकि दो को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं दो और लुटेरे बैंक के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर हजारों की भीड़ बैंक के बाहर आपको नजर आ रही होगी। इस वक्त भी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जाती हुई और ये वो तस्वीर उन लुटेरों की, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। एक लुटेरे को पुलिस की तरफ से गोली मारी गई है। गोलीबारी के बाद यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है इस वक्त, जहां पर इस वक्त भी इन लुटेरों को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती हुई। धनबाद के बीचों बीच बाजार की ये घटना, जहां दिन दहाड़े ये लुटेरे हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने की नीयत से पहुंचे हुए थे, लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। हालांकि अभी भी दो डकैत बताए जा रहे हैं कि बैंक के अंदर मौजूद हैं और पुलिस अपनी तरफ से एहतियात पूरी बरतती हुई, क्योंकि बैंक के अंदर लोगों की मौजूदगी भी है, बैंक के स्टाफ मौजूद हैं। संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर धनबाद से जुड़ गए हैं। संजय, इस वक्त जो दो लुटेरे बैंक के अंदर मौजूद हैं, क्या उन्हें पकड़ा जा पाया है? फिलहाल तो पुलिस जो है तो मोर्चा संभाली हुई है, लोगों की जो भीड़ है उस भगदड़ को भी संभालने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो है इस बार अपराधियों को जो बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम करने में सफल हुई, क्योंकि दो दिन पहले ही यहाँ पर थाना से कुछ दूरी पर ही, धनसार थाना क्षेत्र के कुछ दूरी पर एक बड़ी लूट हुई थी, जिस पर सब पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी उसको लेकर जो है अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंदर आप उसे गिरफ्तार करें, और उसके चंद दो दिन बाद इस तरीके की लूट आज सुबह सुबह करने के लिए अपराधी घुसे। लेकिन एन मौके पर पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस भी जो है सही समय पर वहां पहुंची, और आज जो है सबसे बड़ी बात है कि इस बार पुलिस ने किसी तरह की जो है सो कोताही नहीं बरती। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक जो अपराधी है उनका इंकाउंटर हो गया है, साथ ही साथ दो अपराधी, और फिलहाल दो अपराधी जो है छुपे हुए हैं। अभी यह कहना बड़ा मुश्किल है कि वो अपराधी भाग गए हैं या वही मोर्चे में हैं, लेकिन पुलिस हर तरफ से नजर बनाई हुई है। भीड़ को भी जो है तो हटाने का प्रयास करे, लोगों में भी विश्वास देने का प्रयास करे कि पुलिस किसी तरीके से उनको पकड़ लेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति। संजय, क्या ये कंफर्म हो गया है कि इन लुटेरों की संख्या 5 ही थी, जिनमें एक का इनकाउंटर किया गया है, दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दो बैंक के अंदर मौजूद है? फिलहाल दो जो अपराधी हैं वो छुपे हुए हैं, पुलिस भी उन लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो भीड़ है उसको लेकर पुलिस कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। उस भीड़ के कारण लोगों को हटाना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस की जो संख्या है वहां पर लगातार जो है सो बैंक जो पूरा क्षेत्र है उसको कवर कर लिया है, ताकि वो दो अपराधी जो है उनको पकड़े। कुछ हथियार भी इन लोगों के पास पकड़े गए हैं, कुछ गोलियां भी पकड़ी गई है। पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है कि किसी तरीके से उन दो अपराधियों को भी पकड़े। अगर पुलिस इस फिराक में भी अगर वो लोग भागते हैं तो ये भी मजबूत एक साथ हो सकता है कि अभी पुलिस के लिए चुनौती ये है कि चारों तरफ यहाँ पर आम लोगों की मौजूदगी है। देखिए, तमाशबीन बने यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी, जिस बीच पुलिस को अब ये कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि अगर अपराधी यहाँ पर फायरिंग करते हैं, जो लुटेरे बताए जा रहे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, क्योंकि वो भीड़ में मौजूद भी हो सकते हैं बताया जा रहा है, क्योंकि बैंक के अंदर, फाइनेंस कंपनी के अंदर ग्राहकों की मौजूदगी है, लुटेरों को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उन्हें पकड़ना इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पुलिस के लिए बना हुआ है।
क्या संख्या को लेकर कोई कंफर्मेशन इस वक्त हो पा रही है, क्योंकि दो लुटेरे गिरफ्त में है पुलिस की तरफ से? संख्या जो है तो बताया जा रहा है कि पांच ही थे, और जिसमें से दो पकड़ा है, एक इनकाउंटर हुआ और दो छुपे हुए हैं। पुलिस मामले में जो है तो मोर्चा संभाल चुकी है, भीड़ को भी एसाइड कर रही है और पुलिस भी मजबूती के साथ खड़ी है। हो सकता है कि घंटे दो घंटे में वो दो अपराधी अगर छिपे हुए हैं इधर उधर तो उनको पकड़ ले, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को लेकर ही पुलिस की ओर, वही सबसे बड़ी परेशानी है। अगर संजय गुप्ता, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और तस्वीरें जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें। पहली तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है ये वो लुटेरा है, और एक शख्स जिससे इनकाउंटर किया गया है उसके बॉडी को भी या बैंक के फाइनेंस कंपनी के बैंक मुथूट फाइनेंस कंपनी बताया जा रहा है, जहां पर लूट की नियत के सभी अपराधी पहुंचे हुए थे। एक लुटेरे का इनकाउंटर किया जा चुका है, दो को गिरफ्तार किया गया है जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हालांकि दो और इनके सहयोगी जो है वो बैंक के अंदर बताए जा रहे हैं, लेकिन ग्राहकों के बीच में ये लुटेरे कौन है ये चैलेंज इस वक्त पुलिस के सामने बना हुआ, और एहतियात बरतते हुए पुलिस अपनी रणनीति पर इस वक्त कार्रवाई करती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता जानकारी के लिए।